मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर जारी है। ताजा मामला थाना सरूरपुर इलाके का है, जहां पुलिस ने गश्ती के दौरान दो संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग में एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि इस दौरान एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। ये थाना क्षेत्र है सरूरपुर का, इसमें गश्त के दौरान पुलिस का आमना सामना हुआ एक अपराधी से। उस अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। उसमें जिस अपराधी को दाहिने पैर में गोली लगी है, वह अपराधी माजिद नाम का अपराधी है, जिस पर थाना रतनपुर से जो मुजफ्फरनगर से है और वहाँ से 25,000 का इनाम है। उसके साथ एक और अपराधी था जिसका नाम मालूम पड़ा, इश्तकार है, और वो फरार हो गया और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसको भर्ती कराया गया इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में। कितने मुकदमे दर्ज थे इस पर? आठ मुकदमे करीब दर्ज हैं। रतनपुरी से ये वांटेड था डकैती के मुकदमे, वहाँ से करीब 18-19 भैंस इसने वहाँ से डकैती डाली थी, उसमें वांटेड चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस की गोली से घायल बदमाश की पहचान सिवाया इलाके के रहने वाले माजिद के रूप में हुई है और उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। गौरतलब है कि माजिद को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।